तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पिरामल फार्मा के स्टॉक के बारे में। पिरामल फार्मा के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था। फिर 110 के लेवल से स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, जिसके बाद से अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.30% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से भी हमारे पास स्टॉक में 99.55 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 97.40, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 94.80, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 92.20, उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 88 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से भी रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक का 101 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 105 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 108, और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 114, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 120 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो फिलहाल तो हमको यहाँ पर स्टॉक में सपोर्ट लेवल्स पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल होल्डिंग इस तरह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।